दोस्तों, डेयरी प्रोडक्शन के सेगमेंट में अमूल को कौन नहीं जानता। वर्तमान में अमूल की कुल कीमत 50,000 करोड़ रुपए है। गुजरात से शुरू हुई मिल्क प्रोडक्ट्स की इस कंपनी के उत्पाद आज 60 से भी ज्यादा देशों में बिकते हैं। भारत में ही हर दिन अमूल की 2.5 करोड़ से भी ज्यादा दूध की थैलियां और 15 लाख से ज्यादा टेट्रा पैक बिकते हैं। आप भी अगर किसी शहर या कस्बे में रहते हैं तो मुमकिन है कि आपके घर भी अमूल की ये जानी पहचानी थैली रोज सुबह पहुंचती होगी। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये दूध देश के अलग अलग किसानों के घरों से अमूल मिल्क प्लांट और फिर आपके घर तक का सफर कैसे तय करता है? नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अमूल मिल्क कैसे बनता है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। दोस्तों, कुछ वर्षों पहले तक बनासकांठा गुजरात का सबसे पिछड़ा जिला था। यहाँ पानी की कमी होने की वजह से यहाँ आम जिंदगी जीना भी आसान नहीं था। लेकिन फिर गुजरात के इस इलाके ने सहकारी तौर पर डेयरी का व्यवसाय ऐसा अपनाया कि ये सबसे पिछड़ा जिला आज सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला जिला बन गया। दोस्तों, दूध का कारोबार एक बड़ा कारोबार है, बशर्ते इसे बनास डेयरी के ढंग से किया जाए। दोस्तों, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के हर गाँव में मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं, जिससे पशुपालकों को गांव से बाहर दूध बेचने नहीं जाना पड़ता। लोग सुबह सुबह अपनी गाय और भैंसों से दूध निकालते हैं और पास ही मौजूदा मिल्क सेंटर में जाके दूध डिलीवर कर देते हैं। यहां अत्याधुनिक तरीके से दूध संभाल कर रखा जाता है और सभी जगह से दूध का कलेक्शन हो जाने के बाद दूध को एक ट्रक में भरकर बनास डेयरी कोऑपरेटिव हेडक्वार्टर्स भेज दिया जाता है। इसी जिले में स्थित बनास डेयरी रोज करीब 50 लाख लीटर दूध इकट्ठा करती है और उसमें से रोजमर्रा के दूध के अलावा बटर, आइसक्रीम और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाकर वैल्यू एडिशन करके डेयरी और किसानों के लिए मुनाफा जमा करती है। 3,50,000 किसान, 60 लाख मवेशी, 50 लाख लीटर दूध, 8 हाईटेक प्रोसेसिंग प्लांट्स, इन सबको आपस में मिला दें तब बनता है एशिया का सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव, जिसका सालाना टर्नओवर 75,52,00,000,000 रुपए से भी ज्यादा का है। दोस्तों, ये कोई मामूली कोऑपरेटिव नहीं है, ये एक मेगा डेयरी है, एक अल्टीमेट मिल्क डेयरी। अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने के लिए इन्होंने अमूल ब्रांड नेम का इस्तेमाल किया, जो आज भारत के घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। दोस्तों, बनास डेयरी की स्थापना सन 1969 में हुई थी। गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट के कुछ ही समय बाद इसके फाउंडर गलबाबाई नानजीबाई पटेल ने इस कोऑपरेटिव की शुरुआत सिर्फ कुछ 100 किसानों के साथ की थी और शुरुआत में उनसे रोजाना करीब 800 लीटर दूध इकट्ठा किया जाता था। अब बनास डेयरी की मेंबरशिप्स बहुत बढ़ गई हैं। आज के समय में बनास डेयरी के 3,50,000 मेंबर्स हैं और अब यहां रोजाना 5 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है। दोस्तों, पालनपुर में मौजूद बनास डेयरी लगभग 122 एकड़ में फैली हुई है। इस डेयरी में 3 अलग अलग यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में लिक्विड मिल्क, पनीर, दही, घी, बटर मिल्क और ड्राई पाउडर बनता है। सेकेंड यूनिट में बटर, मिल्क पाउडर और यूएचई टेट्रा पैक बनते हैं और थर्ड यूनिट में फुली ऑटोमेटिक आइसक्रीम और बटर बनता है। साथ ही इसका एक नया चीज प्लांट भी है। दोस्तों, बनास डेयरी में जितने भी दूध के टैंकर आते हैं उनका सबसे पहले तो क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। क्वालिटी टेस्ट क्लियर होने के बाद ही दूध के टैंकर को खाली किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये दूध सीधा पैकिंग के लिए नहीं भेजा जाता। क्या आप जानते हैं कि इस दूध को पीने लायक बनाने से पहले इसे एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, जिसे पैश्चराइजेशन कहा जाता है। स्कूल में आपने अगर पैश्चराइजेशन नहीं पढ़ा तो आपको बता दूं कि दूध के तापमान में एकदम से बदलाव लाकर उसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने को ही पैश्चराइजेशन कहते हैं। दूध के पैकेट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैश्चराइज्ड मिल्क लिखा भी होता है। आइए जानते हैं कि दूध को एक प्लांट में पैश्चराइज कैसे किया जाता है। सबसे पहले दूध को एक ऐसी पाइपलाइन के जरिए पास किया जाता है, जिसका टेम्परेचर हर 15 सेकंड में बदलता रहता है। मतलब पहले 15 सेकंड तक पाइप का टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और फिर इस टेम्परेचर को घटाकर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया लगातार 1 घंटे तक चलती रहती है, जिससे दूध के सभी हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और दूध फटने और खराब होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रोसेसिंग की वजह से अमूल मिल्क में ज्यादा मलाई नहीं बनती और ज्यादा घी भी नहीं निकल पाता। अब ये पैश्चराइज्ड मिल्क पैकेजिंग एरिया की तरफ बढ़ता है। फिर 23 लाख लीटर दूध को पॉलीपैक्स में भरा जाता है। पैकेजिंग वाली ये मशीन हर मिनट में 150 से 200 पाउच बनाती है।
फिर इन पैकेट्स को इंतजार कर रहे ट्रकों में लोड किया जाता है, जिसके बाद ही ये हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों की दुकानों और बाजारों में बेचे जाने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, आज भारत में 30 से भी ज्यादा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स में अमूल का दूध प्रोसेस और पैक होता है और आपकी सुबह की चाय की प्याली तक पहुंचता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप दूध का ग्लास पिए, टोस्ट पर मक्खन लगाएं या फिर आइसक्रीम का मजा लें, हमें और अमूल की इस कमाल की कहानी को याद जरूर करिएगा। अगर आप कुछ इस विषय पर साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। साथ ही इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए द मिस्टिका लैंड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।